मत करना यार दीदी। वाओ वेरी डेंजरस। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम गुड। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये मैं मिलूंगी आपको किचन में। आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है, आज सुबह ब्रेकफास्ट में ये देखिए साबूदाने की बना दी है खिचड़ी और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, बहुत टाइम के बाद आज मैंने बनाई है। आज 11 भी है इसलिए बच्चों को नाश्ते के लिए बस सुबह साबूदाने की खिचड़ी बना दी है आज। वो बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली साबूदाने का वड़ा भी बहुत टाइम से नहीं बना है, बट वो अभी गर्मी के टाइम पे डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं बनानी है। अभी बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें बना दी थी घर में नाश्ते में, क्योंकि रेडीमेड नाश्ता इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ये फ्राई पूरी बना दी थी मेथी वाली, कसूरी मेथी और जीरे वाली जो है तो पूरी बना दी थी। और उसके पहले भी बीच में मैदे का बनाया था, ये तो गेहूँ के आटे की बनाई है मैंने, क्योंकि मैदा मैं प्रेफर नहीं करती, जल्दी मुझे पसंद नहीं है मैदे की आइटम। मतलब मैदे की आइटम मैं जो घर में बनाते कि ऐसे बना लूँ फ्राई आइटम्स, ऐसा नहीं। ये देखो आ गई मैं यहाँ पर, ये मेरा मनी प्लांट, इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली ये हो गया है इसका जो ये हम लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए, तो ये झुक गया है एक साइड इस पर, इसलिए उफ गर्मी तो गजब ही ढा रही है भाई साहब की, गर्मी गजब ही ढा रही है ना। चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। थोड़ा गर्म से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इतनी बार नहा लो लेकिन फिर भी वो गर्मी ऐसी की ऐसी ही रहती है, बाप रे सच में। अभी अहमदाबाद में और यहाँ सब बारिश हो रही थी ना। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बच्चों को उठाकर और उनको ब्रेकफास्ट दे के, है ना। फिर उनको पूछते हैं कि आज उन्हें ब्रेकफास्ट करके कैसा लगा आज एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। या साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है इन लोगों को, एक्चुअली जो भी बनाती है सभी कुछ पसंद आता है, लेकिन हर चीज़ पे ऐसे करते वाओ ये बना है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो ये लोग कैमरा में रिएक्शंस नहीं देते, अभी भी कैमरा शायद है थोड़े से कि कैमरा में इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देते बच्चे, और बाद में तो बाप रे बच्चे पे मुँह चालू रहता है चिड़िया की तरह, बट कैमरा में नहीं बोलते अभी भी। चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखो ये दोनों भी उठ गए हैं और अब इनका नाश्ता चल रहा है। धैर्य भाई साहब, पहले नाश्ता कर चुके, धैर्य। खाया आपने साबूदाने की खिचड़ी, कैसी लगी आपको? और कोमल अभी खा रही है, बढ़िया लगी। झूठ बोल रहा है कोमल आपको। हाँ दही खत्म हो गया है। एक्चुअली मैं कल गई थी मार्केट बट भूल गई, ध्यान से ही निकल गया कि दही लेके आना है। आज अपने शाम को चले जाएंगे तो लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। बट आज अच्छी लग रही ना साबूदाने की खिचड़ी। एक्चुअली किसी का भी मैं सोच के किसी की भी रेसिपी फॉलो कर लेती हूँ ना, तो वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है ज़रा सी भी। अभी साबूदाने का वड़ा किस किस को खाना है ये बता दो। एक्चुअली डीप फ्राई वाली चीज़ें अभी नहीं बनानी है, अभी डीप फ्राई वाला क्या बोलते हैं, दो बार वो मैंने घर में अभी क्या बोलते हैं वो पूरी बनाई है ना, उसके पहले बनाया था, उसके पहले खस्ता बनाया था, अभी फिर से खस्ता बनाऊंगी वो और अच्छा बनाऊंगी, है ना। ये भाई साहब आ चुके हैं खा पी के मेरे बाजू में बैठ के, और मैं जा रही हूँ चाय पीने। ये एक बार चाय पी चुका, इसका फर्स्ट कप होके और मेरी सेकंड। बस अब जा रही हूँ मैं भी चाय पीने,
ये कैमरा में कुछ बोलता नहीं हो और बाद में इतना सारा बोलता है, अरे मम्मी इतनी मस्त, इतनी टेस्टी बनी है खिचड़ी, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, सारी सारी झेलियो। अरे हाँ देख लो लड़का बड़ा हो गया, अब लड़के ऐसे ही कम बोलते हैं, पीछे से तो इतनी बकबक बकबक चालू रहती है इसकी। चलो अब मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, फटाफट मुझे भी काम करना है, आप सब घर का है ना। One hour later. Hey guys, ये देखो लंच करने के लिए बैठ गए हैं, लंच कर रहे हैं हम। आज बनाया लंच में मैंने कैबेज की सब्जी, रोटी है साथ में, अचार और पालक की खिचड़ी बना दी है, ब्राउन राइस के साथ पालक की खिचड़ी बना दी है मैंने मूंग की दाल डाल के। गर्मी बहुत है, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता है, इसलिए सादा सादा एकदम सादी खिचड़ी पालक वाली, मूंग की दाल पालक वाली खिचड़ी ब्राउन राइस के साथ में, क्या बोलते हो कोमल। चलो खाना खा के मिलते हैं आपसे। 2000 years later. ये देखो मेरे सारे जितने पुराने कपड़े टूटे फूटे होते हैं सिलाई के, वो सब देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ मार्केट में, वो सब देने के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं और कोमल, सब से निकल हो जाएंगे देखो ये भी। हम दोनों डाकू हसीना बन के यहाँ पर कपड़े देने के लिए आए। कभी आएंगे आप, कभी देंगे ये नंबर बोलिए आपको, उसमें एक भी कम नहीं करूँगा, कम कर दी जो मैं लगा दिया हूँ उसमें। हम तो कहाँ में ज़्यादा बोला, पैंट कटिंग का हम लोग 30-40 लेते हैं, कितना छोटा मोरी होता है वो तो देखिए पहले। हे गाइस ये देखिए अभी सबका रेस्ट टाइम चल रहा है और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, हम तीनों मतलब एक जगह पर बैठ करके तीनों अपनी अपनी चीज़ों को कर रहे हैं और क्या कहते हैं बस अच्छा साथ में बैठने का, और भले ही अपने काम करते रहो और थोड़ी थोड़ी बातें करते रहो उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। ये मत करना यार दीदी, नोकझोंक भी चलती है, नोकझोंक भी चलती है। ये गाइस को देखो सारे लोग अपनी अपनी रामकथा का धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपना काम भी कर रहे हैं और रामकथा भी कर रहे हैं अपनी कुछ ना कुछ। ये भाई साहब हमारे सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। देखो सब ना मस्ती मूड ऑन है और ये वेकेशन मूड जो है बस खाली 2 दिन का और मेहमान है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मंडे से अच्छा खुद करे तो ठीक है, मंडे से जो है तो बदमाशी नहीं की खुद करता तो बस 2 दिन की और मेहमान है ये वेकेशन, और इसके बाद मंडे से शुरू हो जाएगा डेली रूटीन अपना। मैं लेट जाती हूँ तो मेरे ऊपर भी आके लेट जाती है, ऊपर भी आके लेट ही जाती है। देखो क्या है कि उसको मैं ऐसे किस से दिखा रहे हैं, मम्मी मोबाइल से दिखा रहे थे। हे गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है और आज डिनर के लिए मैंने बनाया था गट्टे की सब्जी। एक्चुअली ये बच्चे खाते नहीं हैं ऐसे नाम बोल दो तो, बट बनाया तो इतनी यम्मी लगी ना इन लोगों की, यम्मी है गट्टे की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी बच्चों को भी और बहुत मज़ा आया खाना खा के। असल में बहुत दबा के खाया खाना कि इतनी अच्छी लगी है सबको गट्टे की सब्जी। कैसी लगी गट्टे की सब्जी तुम लोगों को? अच्छी थी अगर मैं पहले बोलती गट्टे की सब्जी है तो तुम लोग नहीं खाते ना? बहुत बढ़िया,
चल झुट्टा, तुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता है गट्टे की सब्जी। ये झूठ बोलता है। हाँ, ये हर सब्जी को पूछेगा ये कौन सी सब्जी, ये कौन सी सब्जी है, फिर बोलूंगी नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, और नहीं बोलेंगे कुछ और नाम बता देंगे तो खा लेता है। तो तुझे तो पहचान है ही नहीं सब्जियों की, पहली बात तो। तो झूठ मत बोल, समझा मेरी मिठड़ी, झूठ मत बोल। ये बहुत झूठ बोलता है सब्जी के बारे में, इसे कोई सब्जियों की पहचान नहीं है, फिर भी ये बोलता है मुझे तो पता ही था, मुझे तो पता ही था, है ना कोमल? देखो चलो गाइज, अब हम मिलते हैं कल आपसे अपने नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, और बस क्या करें आप सब खुश रहे अपनों के साथ। आपके घर में भी ऐसे स्वीटी स्वीटू पाई होंगे ना, क्यूटू कुटू, एकदम कुटू कुटू, है ना, ऐसे क्यूटी क्यूटी बच्चे होंगे जो बड़े हो गए होंगे लेकिन फिर भी वो आपके लिए छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना। तो अपने ऐसे नन्हे मुन्ने क्यूटी पाई, क्यूटी टेडी बेयर्स के साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, अच्छा अच्छा खाना बनाए, अच्छा खाए, और क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। हाँ सीरियसली, देखो आज ही मेरी क्यूटी पाई ने बोला है तो बहुत सारे भर भर के कमेंट कर दो गाइस आप लोग, और प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे मोटिवेट करे आगे बढ़ाए, है कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल गाइज।